गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी लर्न अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन टू आज हम लोग लेसन टू का क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको रिवाइज करेंगे सबसे पहले हम लोग फिल इन ब्लैंक्स शुरू करते हैं ए द नंबर की प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ ए कीबोर्ड आर कॉल्ड डैस द नंबर की प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द की बोर्ड आर कॉल्ड डैश की बोर्ड के राइट साइड में जो नंबर की प्लेस्ट होता है उसको क्या कहा जाता है सो आंसर इज न्यूमेरिक की पैड द नंबर की प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ अ की बोर्ड आर कॉल्ड न्यूमेरिक की पैड हम लोग न्यूमेरिक कीपैड भरेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर बी प्रेसिंग द डैश की रिनेम्स द सेलेक्टेड फाइल्स और फोल्डर्स किसी भी फाइल्स और फोल्डर्स को रिनेम करने के लिए यानी कि उसका नाम चेंज करने के लिए फ़ाइल्स और फोल्डर्स का कौन सा बटन हम लोग प्रेस करेंगे सो आंसर इज F2. प्रेसिंग द F2 की रिनेम्स द सेलेक्टेड फाइल्स और फोल्डर्स F2 की का यूज़ हम लोग फाइल्स और फोल्डर्स को रिनेम करने के लिए करेंगे क्वेश्चन नंबर सी द डैश की इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रेस्ड की ऑन द कीबोर्ड द डैश की इज द मोस्ट फ्रिकुंटली प्रेस्ड की ऑन द कीबोर्ड कीबोर्ड पर सबसे ज्यादा कौन सा कीज प्रेस्ड होता है तो आंसर इज ए स्पेस फॉर कीज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी द फंक्शन की एक्ट एज डैश फंक्शन की किस तरह से काम करता है तो इट्स वर्क्स लाइक अ शॉर्टकट द फंक्शन की एक्ट एज शॉर्टकट्स हम लोग इसमें शॉर्टकट्स भरेंगे बहुत सारे दो तीन ऑप्शन होंगे उसमें से कोई एक आंसर सिलेक्ट करना है ए द बटन्स ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड आर कॉल्ड डैश कंप्यूटर कीबोर्ड पर जो बटन्स होता है उसको क्या कहा जाता है सो आंसर इज कीज क्या होगा आंसर कीज होगा द बटंस ऑन द कंप्यूटर की बोर्ड आर कॉल्ड कीज नेक्स्ट है द कीबोर्ड इज एन डैश डिवाइस इनपुट आउटपुट और प्रोसेस कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है इनपुट आउटपुट और प्रोसेस तो कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस आंसर होगा इनपुट क्वेश्चन नंबर सी द डैश की इज़ यूज टू टाइप नंबर्स कौन सा की हम लोग नंबर्स टाइप करने के लिए यूज करते हैं ऑप्शन ए नंबर की बी कैप्सलॉक की एंड सी कंट्रोल की यानी नंबर की हो आंसर होगा सो द डैश इज यूज टू टाइप नंबर्स आंसर इज नंबर की नौ क्वेश्चन नंबर डी डैश की मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन कौन सा की कसर को लाइन के बिगनिंग में यानि शुरू में लाने का काम करता है सो ऑप्शन इज होम की एंड की एंड अल्ट की आंसर होगा होम की होम की मूव द कर्स टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री मैच द कीज विथ इट्स फंक्सन हम लोग कीज़ को उसके फंक्शंस के साथ मैच करना है फर्स्ट है के लिए करते हैं सो पेज अप का होगा अप बी पेज डाउन पेज डाउन की इज यूज टू स्क्रॉल योर पेज डाउन यानी पेज डाउन का फंक्शन है स्क्रॉल डाउन नेक्स्ट सी ई एस सी की ई एस सी कैंसल अ प्रोग्राम ई एस सी का यूज है किसी भी प्रोग्राम को कैंसिल करना डी एफ वन एफ वन की इज यूज टू टेक हेल्प यानी एफ वन कीज से हम किसी चीज का हेल्प ले सकते हैं नौ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हम लोग अब क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर ए वॉट आर कीज कीज क्या है

और की का क्या फंक्शन है यानी होम की और की से क्या किया जाता है सो आंसर इज होम की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन एंड एंड की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन फर्स्ट होम की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन एंड इंड की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन होम की का यूज़ हम लोग कर्सर को किसी भी लाइन के बिगिनिंग में लाने के लिए उसका यूज़ करते हैं बट एंड की का यूज़ हम लोग किसी भी लाइन के कर्सर को किसी भी लाइन के एंड में यानी अंत में लास्ट में कर्सर को मूव करने के लिए करते हैं सो होम की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द लाइन एंड एंड की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन ओकेशन नंबर डी अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन लर्न करेंगे हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन की फंक्शन की का क्या इंपॉर्टेंस है यानी फंक्शन की क्यों जरूरी है उसको क्यों महत्वपूर्ण है वो हाईलाइट करना है सो आंसर इज़ फंक्शन कीज़ आर एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड फ्रॉम एफ़ वन टू एफ सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि F1 से F12 तक जो कंप्यूटर पर की कीबोर्ड पर जो कीज़ होता है उसको हम लोग फंक्शन कीज़ कहते हैं एफ़ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर एफ फाइव एफ सिक्स एफ सेवन एफ एट एफ नाइन एफ टेन एफ अलेवन एंड एफ टूल्व दीज आर कॉल्ड फंक्शन कीज एंड दीज आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड ये लोग ये कीबोर्ड के सबसे टॉप में रहते हैं दीज कीज एक्ट एज शॉर्टकट्स एंड इनेबल अस टू डू सेवरल फंक्शंस क्विकली अब हम लोग जानेंगे कि फंक्शन कीज क्यों जरूरी है इसका क्या काम है सो दिस कीज एक्ट एज शॉर्टकट्स यानी ये कीज़ एक शॉर्टकट की तरह काम करता है यानी किसी भी काम को मतलब किसी भी काम को वो बहुत ही आसानी से शॉर्टकट तरीके से कर देता है एंड इनेबल टू डू सेवरल्स क्विकली और बहुत सारे काम को क्विकली यानी तेज़ी से कर देता है सो so, function keys are important important now today's class is over thank you